हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इंटीग्रेशन पाई बाय 4 टू 3 पाई बाय 4 dx बाय 1 प्लस कोसाइन एक्स इज इक्वल्स टू। यहां पर हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोसाइन ऑफ dx इसको फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कांसेप्ट which we are going to use here for this question. So we are going to use the concept of the property of definite integration. The property of definite integrals. This concept ka hum yahan par use karenge. So since we remember that the property of definite integration, if we are having इंटीग्रेशन ए टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो इसी प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पर यूज करना है एज अ कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो हम जो भी इंटीग्रेशन है उसको आई मान लेते हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ फाइव बाय फोर टू थ्री फाइव बाय फोर डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कोसाइन ऑफ एक्स। इसे हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली यूजिंग द प्रॉपर्टी हम इसको चेंज करेंगे। सो वी वुड से दैट का इंटीग्रल आई वुड बी इक्वल्स टू। सो यदि मैं फाइव बाय फोर प्लस थ्री फाइव बाय फोर का एडिशन देखूँ, तो फाइव बाय फोर प्लस थ्री फाइव बाय फोर दिस विल बी इक्वल टू डिनोमिनेटर कॉमन फोर हो जाएगा। वन फाइव प्लस थ्री फाइव विल बी फोर फाइव बाय फोर, यानी कि फोर फोर से कैंसल, इट विल कम्स आउट इक्वल्स टू फाइव। सो देयरफॉर द इंटीग्रेशन फाइव बाय फोर टू थ्री फाइव बाय फोर, यदि हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करें, सो ये हो जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कोसाइन ऑफ फाइव बाय फोर प्लस थ्री फाइव बाय फोर माइनस में एक्स। सो दिस विल बी गोज टू इंटीग्रेशन ऑफ फाइव बाय फोर टू थ्री फाइव बाय फोर डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कोसाइन ऑफ फाइव माइनस ऑफ एक्स। नो कोसाइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसाइन ऑफ थीटा। सो अकॉर्डिंग टू दैट the integration I would become equals to integration of pi by 4 to 3 pi by 4 dx divided by 1 minus of cosine x. इसे हम दे देंगे equation 2. Now, we will add equation 1 with equation 2. So, the required integration will become I plus I 2i. This is equals to integration pi by 4 to 3 pi by 4 into the bracket 1 by 1 plus cosine of x plus me 1 by 1 minus cosine of x dx. Now we will simplify the integrand, that is 1 by 1 plus cosine of x plus me 1 by 1 minus cosine of x first, so that we can just simply get the answer. So, इसको हम क्या करेंगे? Cross multiply कर देंगे, so that we can common the denominator. That is 1 plus cosine of x into me 1 minus cosine of x. So, numerator में हो जाएगा 1 minus cosine of x plus me 1 plus cosine of x. So plus cosine of x minus cosine of x cancel, 1 plus 1 will become 2. So iska simplified form aa jayega 2 divided by. Now yadi main yahan par 1 plus cos x 1 minus cos x dekhu, so ye a plus b into me a minus b ka formula hai, which can be equals to a square minus b square. So 1 square is going to be 1 minus me b square, yani ki cosine square of x. सो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म अब हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। बट बिफोर ऑफ दैट वी नो द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, वन माइनस
कोसाइन स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल्स टू दी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। सो इसकी जगह पर फिर हम सिंपली पुट कर सकते हैं टू डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और इसको अब हम इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो अवर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन विल बिकम टू आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 टू 3π/4, और ये टू न्यूमरेटर में है, डिवाइडेड बाय दी साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। सो दोनों जानब से टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वन अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, इसको अब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे। सो यहाँ से इंटीग्रेशन आई वुड बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 5/4 टू 3π/4, वन अपॉन साइन विल बी कोसेक, तो ये सिंपली हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। नाउ वी रिमेम्बर दैट द इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कॉट ऑफ एक्स, सो देयरफॉर इट्स इंटीग्रल विल बिकम माइनस कॉट ऑफ एक्स, एंड द लिमिट विल गो फ्रॉम 5/4 टू 3π/4। नाउ सब्स्टिट्यूट अपर एंड लोअर लिमिट विल गेट माइनस कॉट ऑफ 3π/4, माइनस माइनस विल गेट प्लस कॉट 5/4। सो फ्रॉम हियर द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आई वुड बी इक्वल्स टू माइनस कॉट 3π/4 विल बी माइनस ऑफ 1। सो यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1, एंड प्लस में कॉट 5/4 इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1। सो माइनस माइनस विल गेट प्लस, एंड 1 + 1 विल बिकम सर्ट इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर द आंसर टू द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन इज नथिंग बट 2। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन ऑप्शन ए विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। विल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।